गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो QR कोड होते हैं उसके अंदर तीन स्क्वायर सी क्यों होते हैं? आखिर क्या रीजन है इन तीन स्क्वायर्स का QR कोड के अंदर? अगर आप लोग इसका रीजन जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1994 से पहले इन QR कोड का कोई नाम और निशान था ही नहीं। ये QR कोड पाए नहीं जाते थे 1994 से पहले। 1994 से पहले कुछ 2D बारकोड्स पाए जाते थे जो कि इस तरीके के दिखते हैं। इन 2D बारकोड्स में क्या होता था कि ये जो स्क्वायर्स होते थे या तो वो सेंटर पे होते थे या फिर इन स्क्वायर्स की जगह पर कुछ सर्कल्स पाए जाते थे, एक या एक से ज़्यादा सर्कल होते थे। और ये जो सेंटर में स्क्वायर होते थे या फिर जो सर्कल्स होते थे उनका मतलब ये होता था कि ये किसी भी कोड की पोजीशन को स्कैन करने वाले स्कैनर को बताते थे। अब इस तरीके के सेंटर में स्क्वायर या फिर सर्कल्स वाले जो बारकोड होते थे उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि जब भी इन कोड को बल्क में स्कैन करते थे या फिर इनको एक के साथ दूसरा कोड को रखकर स्कैन करते थे तब इसमें क्या होता था कि ये जो स्कैनर होता था वो दोनों कोड को एक साथ ही स्कैन कर लिया करता था। और अगर ये जो कोड्स होते थे वो साइड से या कॉर्नर से थोड़े बहुत भी धुंधले होते थे या थोड़े बहुत भी ख़राब होते थे उसकी वजह से जो स्कैनर होता था वो कभी भी इसको करेक्टली स्कैन नहीं करता था, जिसकी वजह से जो मनी ट्रांसफरिंग प्रोसेस होता था उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी और जो सामान को ख़रीदने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। और इन सब प्रॉब्लम के चलते सन 1994 में सबसे पहली बार QR कोड को इन्वेंट किया गया। 1994 में एक डेंसोवेव नाम की कंपनी थी जिसके एक इंजीनियर हारामासा हिरो, उन्होंने QR कोड को इन्वेंट किया। ये जो QR कोड हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं किसी भी कोड को स्कैन करने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ किसी भी कोड को स्कैन कर देते हैं। और यही तीन स्क्वायर्स जो कि इस QR कोड में प्रेजेंट होते हैं वही एक QR कोड को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं किसी भी कोड को इजीली स्कैन करने के लिए। ये जो तीन स्क्वायर्स होते हैं वो किसी भी स्कैनर को QR कोड की एकदम एग्जैक्ट पोजीशन भी बताते हैं। और इसमें ये जो QR कोड होता है उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर भी प्रेजेंट होता है एक नीचे की साइड में, जो कि ये बताता है कि ये जो QR कोड है उसका अलाइनमेंट कैसा है, मतलब कि वो सीधा है, टेढ़ा है या उल्टा है। ये सारी चीज़ें वो छोटा सा जो स्क्वायर उस QR कोड में प्रेजेंट होता है वो बताता है। और इन तीन स्क्वायर्स की वजह से ही अगर हम बहुत सारे QR कोड को भी एक साथ रख देंगे तब भी जो स्कैनर होगा वो केवल एक ही कोड को स्कैन करेगा। और ये जो QR कोड के मिडल में कुछ पैटर्न से होते हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या डिटेल्स है, क्या उसकी कॉस्ट है, बाकी सारी जो डिटेल्स होती हैं वो इन मिडल पैटर्न्स में प्रेजेंट होती हैं। अब फाइनली आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो QR कोड के अंदर 3 स्क्वायर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है। ये जो 3 स्क्वायर्स होते हैं वो बेसिकली उस QR कोड की हाई स्पीड को बताते हैं कि वो कितनी जल्दी स्कैन कर लेता है किसी भी कोड को और ये कितनी ज़्यादा सिक्योर तरीके से वो एक कोड को स्कैन करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, दैट इज़ VFX। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़।